कभी भी घर पे पूजा हो, कहीं प्रसाद ले जाना हो तो मुझे बहुत ही आसान लगती है। तो मैंने सोचा मैं आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं नवरात्रि के लिए प्रसाद बना रही थी और मैं बना रही हूँ आज सूजी का हलवा, जिसे कई लोग शीरा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे एक सेम कटोरी से नाप आपको बताऊंगी। तो मैं ये बना रही हूँ नवरात्रि के प्रसाद के लिए। आई नो जब तक ये एपिसोड आएगा नवरात्रि निकल जाएगी, बट नो वरीज, अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो करवा चौथ वाले दिन इजी रेसिपी है यार। हम अपने पति देव के लिए व्रत रख रहे हैं, वो हमारे लिए एकता तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगी लगभग 1.5 कटोरी घी। सो मैं यहाँ पे 2 कटोरी का हलवा बना रही हूँ। तो बेसिकली नाप ऐसा है कि हम 1 कटोरी सूजी में हम 3/4 घी डालते हैं। सो बेसिकली जितनी हमारी सूजी उतना हमारा 3/4 कप घी। सो यहाँ पे मैं लगभग 2 कटोरी सूजी का बना रही हूँ हलवा। तो मैं यहाँ पे 1.5 कटोरी डालूंगी घी। मैंने ये वाला थोड़ा कम भरा है क्योंकि घी गाढ़ा है, तो ऑलमोस्ट ही 1.5 कटोरी हो गया है। सो ज़्यादा एकदम गर्म नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल सा हमारा घी हीटअप हो आया है साथ साथ में ही, क्योंकि कढ़ाई मैंने पहले ही थोड़ी गर्म कर ली थी और घी डालते टाइम मैंने धीरे कर दिया था। तो मैं इसमें ऐड करूंगी मेरे 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी गई घी में, वापस 1 कटोरी। बस इसको हम अच्छा सा मिक्स दे देंगे। फ्लेम पूरे टाइम सूजी भूनते टाइम हमारी लो में ही रहेगी, बिल्कुल भी आप इसको मीडियम या तेज नहीं करिए, जल्दी मत करिए, आहिस्ता आहिस्ता करिए और स्वाद एकदम लाजवाब आएगा। तो ये देखिए घी जो पहले बहुत ज़्यादा लग रहा था वो किस तरीके से पूरी सूजी ने पी लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा घी जो मैंने कम ऐड करा था आधी कटोरी से वो मैं वापस ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे कम लग रहा है। सो एग्जैक्टली 1.5 कटोरी घी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। कई लोग सेम प्रपोर्शन रखते हैं सूजी और घी का, मैं प्रेफर करती हूँ 1 कप सूजी में 3/4 घी, एंड दैट इज अ परफेक्ट मेजरमेंट एक्चुअली। तो देखिए बस इतना घी काफ़ी, आपको हल्का हल्का घी दिख रहा होगा ना, इतना घी प्रॉपर है हमारी सूजी भुनने के लिए। अब जब तक हमारी सूजी भुनती है हम हमारी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डब ले लेती हूँ शक्कर। तो शक्कर का नाप ऐसा होता है कि जितना हमने, जैसे हमने 3/4 डाली है घी, उसी तरीके से 1 कटोरी में 3/4 डलती है हमारी शक्कर। तो कंसीडरिंग ये मेरी 2 कप सूजी थी, मैं यहाँ पे डालूंगी 1.5 कटोरी शक्कर। और जो हमारा पानी होता है वो 3.5 कप होता है 1 कप सूजी में। तो बेसिकली हमारे केस में हम डालेंगे 7 कप पानी। पानी डालने से पहले यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ कुछ केसर की पंखुड़ियाँ, इससे हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार येलो कलर का, केसर के रंग का बनेगा, केसरिया रंग का। साथ ही में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इलायची पाउडर, सो ये लगभग 1/4 टीस्पून, बहुत सारा हलवा है तो इतना इलायची पाउडर जाएगा। अब सेम कटोरी के नाप से 7 कटोरी पानी। बस आपको चीनी बॉईल होने तक रखना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है एक तार दो तार चाशनी, नथिंग स्पेसिफिक। बस अब मैं पानी चढ़ा देती हूँ बॉईल होने के लिए, ताकि हमारी चाशनी शक्कर घुल जाए। बेस्ट पार्ट सूजी के हलवे का यही होता है, और मुझे इसीलिए जब मुझे बहुत ज्यादा प्रसाद बनाना होता है तो मैं ये हलवा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है मैं इसको थोड़ी देर के लिए धीरे आंच में करके छोड़ भी सकती हूँ, तो मुझे डर नहीं रहता कि भाई मेरी सूजी जल जाएगी, मेरा हलवा खराब हो जाएगा। तो बस मन अच्छा रखिए, हलवा बहुत शानदार बनता है ये, और बहुत इजी भी होता है और कन्वीनियंट होता है। तो चलिए हमारे 2 काम हो रहे हैं, सूजी सिक रही है, चाशनी बन रही है, जब तक हम ड्राई फ्रूट्स कर लेते हैं। तो वो सेम मेरी मशीन है, मैं पहले काजू थोड़े से चॉप कर लेती हूँ। मैंने काजू और बादाम दोनों ही चॉप कर लिए हैं, अब मैं इसको भी इसी के साथ ही इसमें डाल दूंगी।
सो इससे क्या होगा, जो हमारा ड्राई फ्रूट भी है वो भी अच्छे से घी में रोस्ट हो जाएगा। आप अगर किशमिश प्रेफर करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, मैं जनरली काजू और बादाम ही प्रेफर करती हूँ। तो बस अब हम इसको थोड़ी देर और सिकने देंगे। इधर हमारी चाशनी में भी उबाला आ रहा है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसमें केसर का कलर भी चढ़ गया है। बस इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो देखिए अब ये एक बॉईल आ गया है, तो मैं इसको फ्लेम 2 से 3 मिनट के लिए धीरे रख दूंगी ताकि केसर का और अच्छे से रंग अच्छा आ जाए, और फिर इसको मैं ढक दूंगी जब तक हमारी सूजी सिकती रहेगी। तो बस चाशनी को अब मैं ढक देती हूँ और हमारी सूजी को हम थोड़ा और पूंछ लेते हैं। वंस अगेन पूरे टाइम फ्लेम धीरे ही है, आप रेस्ट ले सकते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट का, जरूरी नहीं आप इसको कंटिन्यूसली स्टर करें, दैट्स द बेनिफिट एज आई सेड, बट हाँ स्टर जरूर करिएगा वरना तो फिर कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो जाएगी। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि ये सूजी का कलर कैसे लाइट ब्राउन हो गया है। और आप ये देखिए घी भी हाँ साइड से एकदम पूरा छोड़ दिया और सूजी बहुत हल्की भी हो गई है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो ये पहचान है कि हमारी सूजी पक गई है। तो चलिए अब जो हमारी चाशनी बनी हुई थी हम उसमें धीरे धीरे वो डालते हैं, और इसमें मुझे लगभग 12 से 14 मिनट लगे हैं कुछ इसको पकाने में। सो ऑब्वियसली आप ये मैंने आपको सारी पहचान बता दी, तो आप जिस हिसाब से सूजी होगी उतना आपको टाइम लगेगा, बट ये इसकी पहचान है कि देखिए घी किस तरीके से ऊपर आ गया है। चलिए अब हम इसमें हमारा चाशनी मिलाते हैं। सो बस धीरे धीरे आप मिलाइए, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एकदम लगे नहीं, मैंने फ्लेम धीरे ही रखी है अभी। स्टर आपको करते रहना है, तो बस एक बार जब ये पानी डल जाए तब आप इसको फटाफट फ्लेम इसकी हाई कर दीजिए। और ये देखिए आप ये पूरे में अच्छे से स्टर कर दिया है मैंने, और कहीं भी हमारे कुछ भी लम्स नहीं पड़े हैं जरा भी। बस आप इसकी फ्लेम हाई रखिए ताकि इसमें अच्छे से एक उबाला आ जाए। कितने मज़ेदार ड्राई फ्रूट्स, केसर की पंखुड़ियाँ, बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये। बस इसको पकने देते हैं। तो बी कॉशियस, जब इसमें बॉईल आता है तो आप ये देख रहे होंगे किस तरीके से बुलबुले आ रहे हैं, तो बस उस टाइम पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और थोड़ा सा जब आप पानी डालें तब आपको ध्यान रखना है। तो बस ये एक बॉईल आ गया है, तो अब मैं फ्लेम इसको धीरे कर दूंगी ताकि ये पानी हमारा अच्छे से हो जाए। लग रहा है ना मज़ेदार, और फिर प्रसाद के लिए बना है तो माता रानी का आशीर्वाद तो है ही इसमें। ये देखिए मैंने जस्ट फ्लेम करी है बंद, क्योंकि ये देखिए हमारा हलवा कितने अच्छे से हो आया है, दिख रहा है ना मज़ेदार। और आप इसी स्टेज में इसको बस बंद कर दीजिए, इससे और ज़्यादा इसको मत गाढ़ा करिए क्योंकि ये ठंडा होके एकदम फिर कड़क हो जाएगा नहीं तो। बट इसकी मज़ेदार बात बताऊँ आपको, ये हलवा ठंडा होके भी बहुत बहुत यम लगता है, आप इसको गर्म नहीं करेंगे तो भी। ये देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा है, और कितना आप इसका ग्लेज देखिए अंदर से कितना शानदार है। पूरी कढ़ाई देखिए आप किस तरीके से इसने अच्छे से छोड़ दी है, ज़रा भी नीचे नहीं लगा है। और बस हम बिना ठंडा करें इसको प्रसाद के लिए कर लेते हैं सर्व। दिख रहा है ना मजेदार सा। प्रसाद हो गया है दाल, अब मैं तो जल्दी जल्दी इसको सर्व करवाऊंगी, सबको प्रसाद बांटूंगी और फिर खुद भी गरम गरम खाऊंगी।
आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे एपिसोड को प्लीज लाइक करेगा, इसे जरूर जरूर से ट्राई करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इन एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय चटोरी की चटोरू, थैंक यू।